वेलकम बैक दोस्तों, मैं नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला एथर 450X सीरीज 1 कलेक्टर एडिशन के बारे में। ये फाइनली लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में। इसके कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे आए हैं और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर आप लोग का इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ये एक्चुअल में जो कंपनी है एथर की, जो स्कूटर्स होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, वो काफी लिमिटेड सिटीज में ही लॉन्च है, हर सिटीज में नहीं मिलती है। लेकिन जिन लोग का इंटरेस्ट है एथर या इलेक्ट्रिक स्कूटर में, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल। आइए बताता हूँ इस गाड़ी में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या रहेगी प्राइसिंग और क्या रहेंगे फीचर्स, सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो देखना आप बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वेल, अगर मैं बात करूं एथर की, तो यहाँ पे जो गाड़ी को लॉन्च किया गया था वो 11 सिटीज में किया गया था काफी दिनों पहले। एंड अब धीरे धीरे इसके बहुत सारे सिटीज में आपको शोरूम्स देखने को मिल जाते हैं या इसके जो चार्जिंग पॉइंट है वो देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो बैंगलोर बेस्ड एथन एनर्जी ने 450X कलेक्टर एडिशन इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में अगर देखने की बात करूं तो काफी अच्छी फीचर्स के साथ देखने को मिलती है, तो ये काफी कंज्यूमर को बहुत पसंद आती है। पहले थी स्टैंडर्ड 450, देन 450X एंड उसके बाद लॉन्च हुई है 450X सीरीज 1। और इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें नई आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं एक एक करके तो इसमें क्या देखने को मिलता है डिजाइन फीचर में, 450X जैसा ही है इसका इंजन, लेकिन इस गाड़ी के ग्राफिकली काफी चीजें चेंज की है और काफी सारी चीजें नई एड ऑन की है। सबसे पहली चीज तो इसमें आपको मिलता है जो कलर, वो मेटालिक ब्लैक बॉडी कलर कॉम्बाइंड विद रेड एक्सेंट के साथ देखने को मिलती है। एंड गाड़ी की जो साइड पैनल से वहां पे आपको एक चीज और देखने को मिलती है, ट्रांसलूसेंट पैनल देखने को मिलता है। ट्रांसलूसेंट पैनल में होता क्या है, सब आप अंदर के चेसिस भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज है कि जो आपके सीट के अंडर सीट स्टोरेज है वो चीज आपको नहीं दिखेगी, लेकिन चेसिस या उसके जो फ्रेम्स है वो आपको देखने को मिल सकता है ट्रांसलूसेंट बॉडी पैनल के कारण। डिजाइन काफी अच्छी है, गाड़ी में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही आपको पूरी की पूरी गाड़ी देखने को मिलती है। सारी चीजें है, टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन, यस फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक। काफी अच्छे व्हील्स आपको इस गाड़ी में पहले से ही देखने को मिलते हैं और इसमें ऑलरेडी 2-3 कलर ऑलरेडी है जो आप ले सकते हैं, लाइक ग्रे, व्हाइट एंड मिंट ग्रीन, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज 1 है वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा कलर देखने को मिलता है। एंड इसके जो चेसिस का कलर है वो रेड में देखने को मिलता है और बॉडी आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट मी, काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है इस गाड़ी में। बात है गाड़ी कब लॉन्च होगी, फिलहाल तो ये गाड़ी लॉन्च होगी 1 नवंबर में और मार्केट में आने में भी तब ही आ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल उसकी डेट फिक्स नहीं है। लेकिन डेट जैसी फिक्स होगी मैं आपको तुरंत की तुरंत बता दूंगा। एंड वन मोर थिंग, इस गाड़ी में अगर बात करें एल्युमिनियम चैसी का यूज किया है, टेरिस फ्रेम है और अंडर सीट स्टोरेज भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि इंस्ट्रूमेंटेशन जहां पे इस गाड़ी को ज्यादा हाईलाइट किया गया, यस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। मैं आपको नेगेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी सीरीज 1 में। 7-inch का टच स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि डैशबोर्ड में है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस डैशबोर्ड में ही देखने को मिलता है कि काफी अच्छे लुक्स के साथ आती है। अब आती है मेन चीज के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैकेनिकली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। सीरीज 1 में 450X वाला ही इंजन यूज किया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर, दैट इज कॉल्ड PMSM। इसको पावर मिलती है 4.9 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी से और इसमें है 6 किलोवाट का मोटर और देखा जाए तो 8 bhp का पावर पोर्ट निकालता है, 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 0-40 की बात करें 3.3 सेकंड में कवर कर लेता है। इसमें 3 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड, स्पोर्ट्स एंड हाई परफॉर्मेंस रैप मोड भी आता है जिसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और ये क्लेम करते हैं, एथर क्लेम करता है कि 125 cc की स्कूटर से भी क्विकर है बिकॉज इसमें टॉर्क काफी अच्छा है। तो इनिशियल पुल बहुत अच्छा है, बहुत ही सही आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको टोटल 85 किलोमीटर का आपको अच्छा खासा रेंज मिल जाता है नॉर्मल राइडिंग मोड में। इस गाड़ी के बारे में बताया गया है कि इसका जो 50% है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे चार्ज होता है। कंपनी इज क्लेमिंग कि 10 मिनट्स के अंदर ये हर 10 किलोमीटर की बैटरी चार्ज कर लेता है, विच इज क्वाइट गुड। दूसरी बैटरी वाली गाड़ी होती है वो इतनी जल्दी चार्ज नहीं होती, काफी टाइम लगता है। इस गाड़ी में ये फैसिलिटी है कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, काफी अच्छे इसका रेंज प्रोवाइड करती है। अगर आपकी डेली नीड्स के हिसाब से देखा जाए 60-70 किलोमीटर आप सिटी में राइड कर लेते हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर जो आप ले सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है पेट्रोल का दाम कितना बढ़ रहा है और ये चार्ज करने में नॉर्मल ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी नहीं करेगा। बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ा फाड़ है क्योंकि 1.59 लाख की ये स्कूटर ही है सिर्फ, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो हाँ थोड़ा प्राइजेबल है। सेकंड है, ये गाड़ी एक्सेसिबल सबके लिए नहीं है कि सिर्फ 11 सिटीज में ही अवेलेबल है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको छोटी सिटीज में ये देखने नहीं मिलेगी। और वो सिटीज कौन कौन सी, मैं एक एक करके बता देता हूँ।
बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोची है, कोयम्बटूर है, कोझिकोड़े है, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है, अहमदाबाद है एंड कोलकाता। ये टोटल इतनी सिटीज है जहाँ पे आपको ये गाड़ी मिलती है। जगह आपको अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी जगह के लिए अगर आपको चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर धीरे 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 अपने सिटीज़ में इलेक्ट्रिक स्कूटर की शोरूम से उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत जल्दी आपके सिटीज़ में आ सकती है। फिलहाल अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगी, लेकिन हाँ मेजर सिटीज़ में आ चुकी। अगर आपको गाड़ी चलाना है या बुक करना है तो आप ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, अगर अच्छे तो प्लीज़ परचेस करिए, क्योंकि अभी फ्यूचर बैटरी और इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, एंड हमें 150,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब के नीचे जो बटन है उसको क्लिक कर देना एंड इस फैमिली से जुड़िए। आपको डेली आपको गाड़ी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, एंड कोई भी रिव्यू आता है वो भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चाओ।